राजन मेहता, सेल्स हेड, TV27 न्यूज। श्री राजन मेहता टेलीविजन की दुनिया का चर्चित नाम है। आपने बीकॉम और मार्केटिंग में MBA करने के बाद मीडिया का रुख किया। आप टेलीविजन मार्केट के मास्टर माने जाते हैं। 2002 में आपने ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सेल्स हेड बने और कई सारे नए कीर्तिमान बनाए। आप दैनिक भास्कर, बंसल न्यूज, IBC24, डिजियाना समूह के चैनल्स के सेल्स हेड रहे हैं। वर्तमान में आप TV27 न्यूज के सेल्स हेड हैं। सेल्स और मार्केटिंग में आपने तमाम नए लोगों को रोजगार के गुर भी सिखाए हैं। दखल परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तालियां बजाकर हम इसमें सहभागिता दे सकते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, जो यहां पर पट प्रदान किया जा रहा है, ये बांस के धागों से बना हुआ मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प का प्रमाण है। जो पट्टिका प्रदान की जा रही है सभी सम्मानित होने वालों को, ये बांस के धागों से बनी हुई पट्टिका है। अपना कैरियर अनुराग सर के साथ स्टार्ट किया 2002 में, और उस टाइम पहला रीजनल चैनल था ETV मध्य प्रदेश, और हमको रामोजी राव जी ने मौका दिया। और क्योंकि मैं विज्ञापन के क्षेत्र से हूँ, और किसी की भी जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल होता है, और मेरा एक आशुतोष भैया के साथ एक बार मीटिंग हुआ 2014 में, दद्दा जी आए हुए थे होशंगाबाद रोड में। अब मैं तो क्योंकि एडवर्टाइजिंग का था, तो मैं बहुत बड़ा प्रपोजल लेके गया। उनने बोला कि भैया ये छोटा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए। जी जी, मैंने उनको दिया कि ये छोटा सा प्रपोजल है, छोटा सा ये प्रपोजल है। तो उन्होंने बोला भैया हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आए। मीटिंग वो तकरीबन 3 घंटा चली, और आशुतोष भैया ने पूरी कोशिश करी कि एक पैसा खर्च ना हो, और एक पैसा खर्च नहीं हुआ, और मैंने वो फ्री में चलाया। तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये इनसे बड़े जेब खतरा हम है। मतलब मेरे लिए अगर मैं बोलूं 20 साल के कैरियर में अगर विज्ञापन लेना सबसे कठिन रहा तो आशु भैया से रहा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।